नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है सुवर्ण सिद्ध जल। सुवर्ण यानी सोना, सुवर्ण से यानी सोने से सिद्ध किया हुआ पानी, यानी ऐसा पानी जिसमें सोने की जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, वो आए हुए हैं। अब देखिए, सोना यानी जो हम गोल्ड के जो ज्वेलरी है या आभूषण है वो पहनते हैं, तो इसे पहनने से सुंदरता बढ़ती है। वैसे ही जब इस सोने का अभ्यंतर सेवन किया जाता है तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद के ग्रंथों में सोने के बहुत सारे फायदे दिए हुए हैं, तो इसे शास्त्रोक्त विधि से हमें इसका पानी यानी सुवर्ण सिद्ध जल कैसे बनाना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। इसे लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी देखेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सुवर्ण सिद्ध जल हमें कैसे बनाना है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो इसके लिए जैसे कि हमें पानी उबालना है, पानी उबालने के लिए प्रिफरेबली आप पीतल का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो स्टील का बर्तन भी चल सकता है। इसे लेने के लिए आप जो पानी इस्तेमाल करेंगे, अभी जैसे गर्मी का सीज़न है तो जो मटके में रखा हुआ पानी है वो आप यूज़ करो। पानी की जो क्वांटिटी आपने बनानी है उसके अनुसार जो बर्तन का जो साइज़ है वो आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे मटके के बर्तन में ये पानी स्टोर करके रखा था, ये अभी मैं पीतल के बर्तन में उबालने के लिए रख रही हूँ। अब इसमें जो हम सोना यूज़ करेंगे तो ये प्योर सोना होना चाहिए, यानी जो 24 कैरेट का सोना आता है वो हमने इस्तेमाल करना है। तो हो सके तो अगर जो आपके पास अगर रिंग है या प्योर फॉर्म में कोई भी छोटा सा टुकड़ा है सोने का तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्राम से लेके यानी थोड़ा कम या ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहना हुआ यानी वो ज्वेलरी है या कुछ है तो वो हो सके तो यूज़ ना करें, क्योंकि जब भी हम इसे पहनते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो जैसे उसमें डस्ट हो जाती है या फिर हम पहनते हैं तो शरीर के स्पर्श से भी उसकी थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। तो हो सके तो जो नया वाला एक छोटा टुकड़ा है या रिंग है वो आप इसे बनाने के लिए हमेशा अलग से रख सकते हैं। जब भी हम ये सोना पानी में उबालते हैं और ये सुवर्ण सिद्ध जल बनाते हैं तो इस सोने का बहुत ही सूक्ष्म अंश यानी अति सूक्ष्म अंश उस पानी में उतरता है, जिसे आप नैनो पार्टिकल्स कह सकते हैं। यानी सालों साल भी अगर वो सोना अगर आप यूज़ करते हैं तो भी उसका वज़न कम नहीं होगा, तो इतना सा अंश उसमें पानी में आ जाता है। ये हमारे लिए बहुत सेफ है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेटल का पार्ट आ रहा है, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, वो उस में आते हैं। अब ये सुवर्ण सिद्ध जल बनाने के लिए हमें पानी को कितनी देर तक उबालना है, तो आयुर्वेद में पानी उबालने के लिए जो भी हमें शास्त्रोक्त विधि बताई हुई है तो उसमें अष्टमांश शेष, चतुर्थांश शेष, अर्धांश शेष और सिर्फ उबला हुआ, इस तरह से उसमें प्रकार दिए हुए हैं। देखिए, पानी को भी पचाना पड़ता है, तो ये पानी जितना ज़्यादा उबलेगा उतना ही वो हमारे सिस्टम के लिए, पचाने के लिए ईजी होगा। तो जो अष्टमांश शेष है यानी जितना पानी आपने रखा उसमें से 1/8 यानी अगर आपने 8 कप पानी रखा तो और उसमें से आप 1 कप बचाते हैं तो ये हो गया अष्टमांश शेष। चतुर्थांश शेष यानी जितना पानी रखा उसमें से 1/4 भाग आपने बचाया, यानी 1/4 अगर आपने बचाया तो वो है चतुर्थांश शेष। अर्धांश शेष यानी जितना रखा, अगर आपने 1 लीटर पानी रखा और उसमें से 0.5 लीटर बचाया तो हुआ अर्धांश शेष। और दूसरा है कि उबाला हुआ जो पानी है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा भी इसे ना उबालो तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो भी आपने इसे ज़रूर उबालना है, क्योंकि जब हम पानी को ये अग्नि संस्कार देते हैं तो ये सोने का जो इसकी जो गुणधर्म है वो तो पानी में आएंगे ही, लेकिन ये पानी भी पचने के लिए बहुत हल्का होगा। अब हमारा ये पानी लगभग 20 मिनट तक उबला हुआ है, तो अब हम गैस बंद करके लेंगे, इस पानी को पूरा नॉर्मल टेम्परेचर तक आने देंगे। गर्मी के दिनों में आप मिट्टी के बर्तन में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर पीने के लिए आप प्रेफरेबली चांदी का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों को ये पानी दे रहे हैं तो चांदी के ग्लास में उन्हें आप दे सकते हैं, तो इसके भी उन्हें जो अतिरिक्त जो फ़ायदे हैं वो भी उनको मिल सकते हैं।
सुवर्ण सिद्ध जल बनाने की एक और विधि भी है। तो इसके लिए आपको जो सोने का टुकड़ा चाहिए वो एकदम से पतला चाहिए, ताकि आप उसे गैस पे या आंच पे आप उसे गर्म कर सकें, यानी एकदम से रेड हॉट होने तक आपने उसे गर्म करना है और फिर उसे आपने पानी में बुझाना है। तो ये जो प्रोसेस है गर्म करने की और बुझाने की, इसे 11 बार या 21 बार या 108 बार करना है और वो फिर जो पानी बनेगा वो सुवर्ण सिद्ध जल होगा। लेकिन कंपेरिजन में हमने जो आपको पहली वाली प्रोसेस दिखाई वो ज़्यादा ईजी है। तो रोज़ आपको अगर इस तरह का ये सुवर्ण सिद्ध जल बनाना है तो वो आपके लिए करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो वो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सुवर्ण सिद्ध जल के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो भाव प्रकाश निघंटु में धात्वादि वर्ग में सोने के फायदे बताए हुए हैं, यानी अगर सोने का आप अभ्यंतर सेवन करते हैं यानी पेट में इसे लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो सोना जो है उसका मधुर रस बताया हुआ है, यानी मीठा स्वाद इसका है। इसे शीतल या ठंडे स्वभाव का बताया हुआ है, यानी ये शरीर को ठंडक दिलाने वाला है। इसे ब्रूहन करने वाला या बल देने वाला बताया है। हमारे शरीर में जो 7 धातु है जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इन धातुओं को ये बढ़ाने वाला है। इसे वृष कहा गया है, यानी ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है। अब देखिए स्त्री पुरुष इन दोनों में सोने का सेवन बहुत फायदेमंद है। स्त्रियों में भी ये गर्भाशय को बल देने वाला है, यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी उस स्त्री ने अगर इस तरह के सुवर्ण सिद्ध जल का सेवन किया तो उसके बच्चे के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से होने के लिए भी ये बहुत अच्छे से मदद करता है। सोने को आयुष्कर बताया है, यानी ये हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा ये नेत्र है, यानी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको आँखों का स्वास्थ्य अच्छा रखना है या फिर अभी आपको आँखों से संबंधित कोई अगर बीमारी है तो दोनों अवस्थाओं में आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये हृदय है, यानी हृदय से संबंधित सभी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, या तो कि हृदय का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छी तरह से रखने के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसे मेध्य, मतिदायक, बुद्धिवर्धक कहा गया है, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है तो ये जो सुवर्ण सिद्ध जल है उनकी ये सभी तकलीफें कम करने में उनको मदद करेगा। इसके अलावा इसे कांतिदायक कहा गया है, यानी जो त्वचा का रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको ये इम्प्रूव करने वाला है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्वर के लिए यानी अच्छी आवाज़ पाने के लिए भी हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। ये तीनों दोषों का शरीर में बैलेंस करता है, जैसे हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष रहते हैं तो उनको अच्छी तरह से बैलेंस करने में ये मदद करता है। ये जो सुवर्ण सिद्ध जल है ये बहुत अच्छा रसायन है। रसायन यानी एक तरह से ये टॉनिक के जैसे काम करता है। इसे विषहर कहा गया है, यानी शरीर में अगर किसी तरह का कोई पॉइजन हुआ है तो इसको कम करने के लिए भी ये मदद करता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी यानी विषाणु है या जीवाणु है तो उनको, वो शरीर के अंदर गए हैं तो उनको कम करने के लिए, लक्षणों को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। किसी को अगर बुखार है तो उस बुखार को ये काम करता है। शरीर में अगर कहीं पे सूजन है तो उस सूजन को कम कर सकता है। इस तरह अनगिनत फायदे हमें मिल सकते हैं, स्पेशली जो क्रॉनिक डिसीजेस है, यानी अगर आपको बहुत दिनों से कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है तो उनसे बाहर आने के लिए भी ये सुवर्ण सिद्ध जल हमें मदद करता है। अब ये देखते हैं कि सुवर्ण सिद्ध जल किसने लेना चाहिए। तो हर कोई इसे ले सकता है, हर अवस्था में ले सकता है। अगर एकदम छोटे बच्चे हैं तो बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, हर कोई इसे ले सकता है हर अवस्था में। यानी अगर आप स्वस्थ रहने के लिए इसे लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, ये रसायन के जैसे काम करता है। लेकिन अगर आपको अभी कोई बीमारी है तो उस बीमारी से जल्दी ठीक होने के लिए, यहाँ तक कि बीमारी होने के बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ है, थकान है तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति हर अवस्था में इसे ले सकता है। अभी सुवर्ण सिद्ध जल का सेवन कब करना है, तो देखिए ये उत्कृष्ट रसायन है तो रसायन का सेवन रसायन काल में करना है। तो सुबह आप यानी आपका जो ब्रेकफास्ट है या जो भी फूड आप लेते हैं तो उसके पहले आपने इसे लेना है। आपने इसे कितना लेना है, तो जितनी आपकी प्यास है। अब देखिए आयुर्वेद में जो उषापान का कंसेप्ट है, यानी बिना प्यास के बहुत ज़्यादा पानी पीना, तो ऐसा नहीं करने के लिए बताया है। इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो सुबह आपकी
जितनी प्यासे जब आपको मन करता है पानी पीने का, तो जितनी प्यासे उतनी ही क्वांटिटी में आपने सिर्फ सुवर्ण सिद्ध जल का इस्तेमाल करना है। अगर बचा है तो दिन में भी आप बाकी ले सकते हैं, लेकिन जब हम इसे फास्टिंग कंडीशन में लेते हैं तो हमें इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इतने सारे फायदे देने वाला और इतनी आसानी से बनने वाला ये जो सुवर्ण सिद्ध जल है, इसे आप भी बना के ज़रूर देखिए, और इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा ये हमें भी ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।